दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल. यहाँ पर बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं. सितंबर इनटेक में आते हैं तो उनके वेलकम इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, उनका बीआरपी कलेक्शन स्टूडेंट आईडी. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल. राहुल सी यूकेपीडिया की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है. अभी मैं हूँ एडिनबरा यूनिवर्सिटी, जो कि एडिनबरा में है और सिटी सेंटर के बहुत पास है. मैं आज आपको इस यूनिवर्सिटी का टूर कराता हूँ और ये भी बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से इनटेक इसमें रहते हैं, आइल्स कंपलसरी है या नहीं है, फ़ीस कितनी होती है और इसकी क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी की. तो सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आप यूनिवर्सिटी का टूर देखो. और अगर कुछ स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी को लेकर, स्टडी को लेकर, पार्ट टाइम जॉब को लेकर. तो पहले अपन यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं, फिर आपके साथ इन्फॉर्मेशन करेंगे. सो वी आर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और ये हमारा मैक एवान हॉल है. यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं या जब स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आते हैं तो उनके वेलकम इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, उनका बीआरपी कलेक्शन, स्टूडेंट आईडी कार्ड कलेक्शन, इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं. इसके अलावा भी अगर कोई बहुत ये किसी बड़े सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाते हैं तो उस तरह के इवेंट्स इस हॉल में ऑर्गेनाइज करते हैं. ये जो आप हॉल देख रहे हैं अभी ये बंद है क्योंकि ये कुछ स्पेशल इवेंट्स के लिए ही ओपन होता है. ये यूनिवर्सिटी का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस कि ये एक कोई जैसे आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं कि एक बड़ा सा गेट होगा और उसमें सारे आपको नो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दिखेंगे बिल्डिंग्स, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है. इट्स अ ओपन यूनिवर्सिटी, आपको अलग अलग बिल्डिंग्स दिखेंगी. ऑन माई दिस साइड यू कैन सी हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर है, तो स्टूडेंट्स की हेल्थ और मेंटल वेलबींग से रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं. सो एनी स्टूडेंट कैन गो एनी टाइम. यहाँ पे एक फार्मेसी है, आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अपने यू नो स्टडी से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी आपको एंग्जाइटी है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन डिस्कस, कम हियर एंड डिस्कस विद द सर्विस प्रोवाइडर्स हियर. सेम डे अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती हैं, विच इज़ वेरी रेयर इन UK, यहाँ मिल जाती हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रॉब्लम कितना क्रिटिकल है. सो दिस इज़ द हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर. यहाँ पर जिम भी है वेलबींग के लिए, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में स्टूडेंट इस फैसिलिटी को अफोर्ड कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज लाइब्रेरी बार. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली लाइब्रेरी, दिस इज़ अ बार विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, जहाँ पर प्रॉपर सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स आप बाय कर सकते हो. यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं विच यू कैन इन्जॉय विद योर ड्रिंक्स. सो दिस इज़ द लाइब्रेरी बार एरिया. स्टूडेंट्स से बहुत पॉपुलर है ये एरिया और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डे टाइम नाइट टाइम वाला. कभी भी आप यहाँ पर बैठ के इफ़ यू आर फ्री एंड यू वांट टू हैव ड्रिंक्स यू कैन हैव इट. यू कैन सेलिब्रेट योर स्मॉल लिटिल मोमेंट्स हियर विद योर फ्रेंड्स. सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की एक गिफ्ट शॉप है. गिफ्ट शॉप में आपको यूनिवर्सिटी के लोगो, यूनिवर्सिटी के ब्रांड के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, स्टेशनरी से लेके टी शर्ट से लेके स्वेटशर्ट्स, हुडीज, टम्बलर्स, यू नो इस तरह की बहुत सारी आइटम्स मिलती हैं. सो एक बार एक्सप्लोर करते हैं. सैंडविचेस और रैप्स, कॉफ़ी, टी, कुकीज, चिप्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब मिल जाता है.
यहाँ पे स्टूडेंट मील को इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी कैफे के अंदर ही काफ़ी सारे स्टडी स्पॉट्स बन रहे हैं, राइट? क्योंकि आप अगर देखो तो मीटिंग, यू वांट टू हैव सम मीटिंग, प्रॉपर प्लेसेस, हर जगह चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल, यहाँ पर बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। इनका टॉप कोर्स है MBA, और इसके अलावा MS के कोर्सेज हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में MS अगर आपको करना है, बैंकिंग में करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस में, ग्रीन फाइनेंस जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, सो ऑल दोज कोर्सेज आर टॉट इन दिस बिजनेस स्कूल। लेट्स एक्सप्लोर। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पर क्या है कि ये स्टूडेंट सर्विस सेंटर है, स्टाफ के लिए ये एक रिसेप्शन है यहाँ का, ये सिंडिकेट रूम्स है, बेसिकली मीटिंग रूम्स हैं बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो आपको एक मीटिंग लिंक से पहले अपना रूम बुक करना होता है, स्लॉट बुक करना होता है, डेट एंड टाइम के साथ और पर्पस के साथ। एक बार वो बुक हो गया तो वो उस पर्टिकुलर रूम के बाहर एक ये स्क्रीन लगी रहती है, यू कैन सी कि ऐसे वो डिस्प्ले हो रहा होगा। सो ऐसे नहीं कि कोई भी आके किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है, जिसने बुक किया है वो अपने स्केड्यूल टाइम पर आके उसको यूज़ कर सकता है। हर एक मीटिंग रूम में 7 से 8 लोगों की कैपेसिटी रहती है, प्रॉपर जो है प्रोजेक्टर स्क्रीन्स रहती हैं, आप अपना लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, जो मीटिंग रूम में है स्क्रीन उसको भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर ऑडियो विजुअल सिस्टम्स रहते हैं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए है कि आप एक प्रॉपर फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। मीटिंग है जहाँ पर जो नेटवेस्ट बैंक है, नेटवेस्ट बैंक के रिटेल बैंकिंग के हेड आ रहे हैं और उनके साथ हमारी मीटिंग है एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए। ओके, और ये सारा का सारा यूनिवर्सिटी कैंपस है। जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, स्टूडेंट को अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। बाकी इसी के पास एक इंडियन शॉप भी है जहाँ पर अपन को सारे इंडियन सामान मिल जाता है, तो इसका भी टूर कराता हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, एक्चुअली आज मेरे साथ हैं स्टूडेंट, मास्टर कर रहे हैं एडिनबरा यूनिवर्सिटी से, तो थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा क्या रहा। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है ना कि स्टडी को लेकर, कि यहाँ की स्टडी इजी है या हार्ड है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीट हो गया है, सेप्टेम्बर इनटेक में स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर और दिसंबर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीट हो जाता है सबका। और मैं बेसिकली MBA कर रही हूँ यहाँ पर, और अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ का स्टडी पैटर्न। बेसिकली इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं आपको, और यहाँ पर एकदम डिफरेंट है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है हर चीज़ की, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है। और क्लास स्टडीज़ की भी जो बात करें, जो इन क्लास सेशंस होते हैं वो ऐसे नहीं कि टीचर पढ़ा रहा और बच्चे सामने सुन रहे और सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लास में ज़्यादातर ग्रुप स्टडी होती है, तो कोई ना कोई केस स्टडी दे देंगे जो हमको पहले से प्रिपेयर करके आना होता है, क्लास में डिस्कस करके फिर उसको प्रेजेंट करना होता है। सो बहुत डिफरेंट है यहाँ का स्टडी पैटर्न, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ना इनका जो
टीचिंग स्टाइल है ना वो ऐसा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी एंगेज रहते हैं, खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का डिफरेंट है थोड़ा इंडिया से स्टडी का कल्चर, तो कितना टाइम लग जाता है अडोप्ट करने में आपके हिसाब से, लाइक 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ एडजस्ट होने में? देखिए टाइम तो लगता है ऑनेस्टली, जिस अगर आपका स्टडी गैप ज़्यादा है कि आपने इंडिया में मान लीजिए आज से कुछ 6-7 साल 10-8-10 साल पहले स्टडी किया, जनरली क्या मास्टर्स क्या है एक्सपीरियंस लोग करने आते हैं हमें मास्टर्स, तो उनका जो है इंडिया से लेके यहाँ तक का स्टडी गैप 6-10 साल 11-15 साल तक का भी होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अडाप्ट करने में। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले, यानी उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो उनको उतनी मुश्किल नहीं होती, वो जल्दी कवर कर लेते हैं उस चीज़ को। बट यूनिवर्सिटी पूरी हेल्प करती है आपको, हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पर कि आप उसको अच्छे से अडाप्ट कर सको। टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट सर्विसेज के नाम पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप कर लेते हो कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये विदाउट आइल्स एडमिशन देती है कि आपको कुछ इसका आइडिया है या आइल्स कंपलसरी है? कंपलसरी है मोस्टली कोर्सेज में, एक्सेप्शन आई थिंक उनके लिए है जिन्होंने विद इन मतलब एडमिशन के विद इन 3 ईयर्स अगर अपना कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेशन वहाँ से कम्प्लीट किया है, या आपने 12th के आपको 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हुए हैं तो आपका जो है आइल्स आई थिंक एग्जम्पशन मिल जाता है, बट बाकी सब लोगों को आइल्स देना पड़ता है। ओके, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो जनवरी इंटेक एंड मई इंटेक, सितंबर ये कवर करती है या फिर ओनली सितंबर इंटेक? एक्चुअली यहाँ पर इतना ज़्यादा ऑलरेडी इनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में डिमांड इतनी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग की इनको जरूरत ही नहीं है। ये QS रैंकिंग में भी आते हैं ना, वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी, टॉप 15 में यूनिवर्सिटी रैंकिंग इनकी 15th है वर्ल्ड में, तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, तो इसलिए रहता है उस हिसाब से इनके पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रहती है, इन्हें जनवरी इंटेक की जरूरत नहीं पड़ती। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी का टूर किया। एक्चुअली मैम का आज ऑफ था पर स्पेशली ये मेरे वीडियो के लिए आए, सो थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है होप बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी और पसंद आएगा वीडियो, सो थैंक यू सो मच। होप आपको यूनिवर्सिटी का टूर पसंद आया होगा, मैंने कोशिश तो की है उसको अच्छे से कवर करने की। इस यूनिवर्सिटी से अगर आप स्टडी करते हो तो पार्ट टाइम जॉब करना तो आप भूल जाओ, बिकॉज ऑफ ये अपने आप में इतना बिजी रखते हैं कि बंदे को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर पाए। लेकिन हाँ, वर्ल्ड क्लास स्टडी की फैसिलिटी है इसमें, QS रैंकिंग में भी आती है ये यूनिवर्सिटी, मतलब कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक है, सॉरी 500 यूनिवर्सिटी में से एक है, और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग आई थिंक जहां तक मुझे पता है वो 50 रैंक पर आती है यूनिवर्सिटी। आइल्स कंपलसरी है, विदाउट आइल्स के ये यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती है। और एक चीज़ और, ये जो यूनिवर्सिटी एक ही इनटेक कवर करती है और वो है सितंबर इनटेक, बाकी का जनवरी इनटेक या यूनो जो मई इनटेक आता है वो कवर नहीं करती है। यूनिवर्सिटी अच्छी है, थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन जो पढ़ने वाले बंदे हैं जो जेन्युइन में ना पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अब इसके बाद मैं आपको नेपियर यूनिवर्सिटी और हैरियट वर्ड यूनिवर्सिटी के भी वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। सो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।